बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ अलजेब्रिक नोटेशन। अब अलजेब्रिक नोटेशन हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है और हमें ये कहा जाता है कि आपने इसको अलजेब्रिक नोटेशन में लिखना है। अलजेब्रिक नोटेशन मीन्स कि हमें इसमें वेरिएबल्स ऐड करने हैं, प्लस हमें इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाना है। और अगर ऑप्शनली ऑप्शन में मैं ये लिख रही हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट टर्म भी लिखी हो तो हमने फिर वो लिखना है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि हम लोग सिंपली ये लिखते हैं कि एड टू एंड थ्री। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, एड का मतलब क्या होता है, एडिशन, टू एंड थ्री के हमने ऐड करना है टू और थ्री को, तो इसको हम लिखते हैं टू प्लस थ्री। अगर हम लिख दें ऐड थ्री और टू तो उसका मतलब होता है थ्री प्लस टू, और इसका जो आंसर आता है वो हमारे पास होता है फाइव। तो किसी चीज़ को जब हम अलजेब्रिक नोटेशन में लिख कर लेकर आए तो हम उसको लिखते हैं ऐड ए एन टी। तो यहाँ पे देखिए ऐड है, इट मीन हमने प्लस करना है किसको, ए को और बी को। यहाँ पे जो ए और बी है ना, अब ये हमारे पास क्या है जी, वेरिएबल्स है। इनके वैल्यू हमें नहीं पता है, सिंपली हम लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू। अब यहाँ पे हमने ऐड किया तो हमारे पास कोई ना कोई आंसर आता है फाइव, यहाँ पे फाइव आ गया। तो यहाँ पे हमें नहीं पता ए और बी की क्या वैल्यूज है, जो वेरिएबल्स है, तो इनका आंसर भी एक वेरिएबल ही आएगा। तो मैंने लेट कर लिया कि जी उसका आंसर सी आ गया। अब अगर इसी नोटेशन को मैं चेंज कर दूँ, मैं कहूँ कि ऐड बी एंड ए, तो उसको हम किस तरह रखेंगे, बी प्लस ए इज इक्वल टू सी। तो ये तो हमारे पास आ गई है जी अलजेब्रिक नोटेशन इन एडिशन। इसी तरह जब हमारे अलजेब्रिक नोटेशन, नेक्स्ट है हमारे पास जी डिफरेंस। हम लिखते हैं डिफरेंस ऑफ सिक्स एंड फाइव। तो अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस आ गया है, तो आपको पता है डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव। कि हमने नेगेटिव मतलब उनका सब्ट्रैक्ट करना है सिक्स और फाइव को। तो इसका आंसर हम लिखते हैं कि डिफरेंस है तो हमारे पास यहाँ माइनस आ जाएगा। फर्स्ट टर्म को हम पहले लिखते हैं सिक्स माइनस फाइव, इसका जो आंसर आता है वो हमारे पास आता है वन। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम इसको वेरिएबल फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखते हैं डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो ये हमारे पास बनता है ए माइनस बी। अब यहाँ पे जो ए और बी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, कि जब हम दो वेरिएबल्स को माइनस करेंगे तो उसका आंसर भी हमारे पास एक वेरिएबल ही आएगा। ये जी हो गया हमारे पास डिफरेंस में। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है टर्म, वो हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन में। हम लिखते हैं मल्टीप्लाई थ्री एंड फाइव। मल्टीप्लाई मीन्स कि हमने उसको मल्टीप्लाई करवाना है लाइक थ्री मल्टीप्लाइड बाई फाइव, मल्टीप्लाई थ्री एंड फाइव। तो यहाँ पे जो थ्री फर्स्ट टर्म है वो हमने यहाँ फर्स्ट लिखना है, देन मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई एंड फाइव न्यू फाइव। तो थ्री फाइव का फिफ्टीन। अब व्यूअर व्यूवर्स यहाँ पे देखेंगे कि मैंने लिखा है मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई की जगह हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट भी आ जाए ना, तब भी प्रोडक्ट का मतलब हमारे पास क्या होता है जी, मल्टीप्लाई, हमने तब भी मल्टीप्लाई करना है। तो यही चीज़ को जब हम इसमें अलजेब्रिक नोटेशन में मतलब वेरिएबल्स की फॉर्म में लेके आए तो हम लिखते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ये बन जाते हैं जी प्रोडक्ट है, इट मीन्स मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को, तो ए मल्टीप्लाई बाई बी। जिस तरह हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है दो नंबर्स को तो आंसर भी एक नंबर आया है, उसी तरह हमने दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर भी हमारे पास वेरिएबल है। अब जो लास्ट वन हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन रहेगा यहाँ पे वो है डिविडेंड। हम एक टर्म लिखते हैं जी डिवाइड सिक्स बाय थ्री। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड आ गया है, तो डिवाइड का ऑपरेशन आपको पता है कि इस तरह होता है, फर्स्ट टर्म है जी सिक्स, हमने सिक्स को डिवाइड करना है थ्री से। तो यहाँ पे बाय आ गया, इट मीन्स कि हमारा जो यहाँ पे सिक्स है वो कोशेंट है, और जो थ्री है, सॉरी कोशेंट मीन्स के जो ऊपर वाली वैल्यू होती है न्यूमिनेटर वो है, और जो थ्री है वो डिनोमिनेटर है। इसको हम इस तरह लिखते हैं सिक्स डिवाइड थ्री, आंसर इज टू। तो ये है हमारे पास नंबर के फॉर्म में मैंने लिखा था, जिसको अरिथमेटिक फॉर्म में लिखा है। अब हमारे पास इसकी अलजेब्रिक नोटेशन बन जाएगी, वो बनेगी डिवाइड ए बाय बी, इट्स बिकम ए डिवाइड बी इक्वल टू
ए बाई बी, आंसर विल बी अ वेरिएबल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास सारी अरिथमेटिक नोटेशन। यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखी है कि हमारे पास जब वेरिएबल्स और अरिथमेटिक और ऑप्शनल में अगर कॉन्स्टेंट आ जाए स्टेटमेंट में कि हमें उसको लिखना है तो लाइब्रेरी नोटेशन कैसे बनेगी। तो इसकी एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ, लाइक दिस वन। तो लिखे है एट एक्स एंड थ्री। अब यहाँ पे देखें, ये जो x है ये वेरिएबल आ गया, ऐड है वो एक अरिथमेटिक नोटेशन आ गया, और यहाँ पे जो 3 है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे 3 लिख लें, b लिख लें, जो कुछ मर्जी लिख लें, ये सारी वेरिएबल्स की एग्जांपल आपके सामने है। बट यहाँ पे मैंने आपको ये वाली स्टेटमेंट समझाने के लिए यहाँ पे 3 लिखा है कि यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट भी आ सकता है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, एक्स प्लस 3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कि हमारे पास अलजेब्रिक नोटेशन की कोई भी स्टेटमेंट में हमारे पास लिखा हुआ आ सकता है कि हम इसको अलजेब्रिक नोटेशन में किस तरह लिखेंगे, तो ये आपके सामने है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको और देती हूँ ताकि इससे आपको मोर क्लियर हो जाए। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट है आ जाती है हमारे पास एग्जाम्पल्स किस तरह है। यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स और यहाँ पे हम लिखेंगे उनके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन कि उनको हम अलजेब्रिक नोटेशन में लिखेंगे। तो जो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है, हम वो लिखते हैं एड 2x एंड 3। तो ये आपके सामने है, एड आ गई, इट मीन हमने इसको प्लस करना है किसको, 2x को और 3 को। तो इट्स बिकम 2x प्लस 3। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सबट्रैक्ट 5y from 100। It means के subtract है, हमने माइनस करना है 5y from 100, के हमने 5y को 100 में से subtract करना है। तो यहाँ पे from आने की वजह से जो 100 है वो हमारी first quantity बनेगी, जो 5y है वो हमारी second quantity बनेगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 minus 5y। तो ये था हमारे पास इन वर्ड्स इस तरह लिखा होगा, स्टेटमेंट्स कितनी होंगी उनको हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी। तो जो लास्ट वन में आपको एक और इसकी एग्जांपल देती हूँ, वो एग्जांपल ये है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइड 3ab बाय 2c। कि डिवाइड मीन हमने डिवाइड करना है, डिवाइड का ये सिंबल है, हमने डिवाइड किसको करना है, 3ab को 2c से डिवाइड करना है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह लिखी जाएगी, 3ab बाय 2c। आप चाहें तो इस तरह लिखें, अदरवाइज अगर आप इस तरह भी लिखते हैं तो आपका ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब हमारे पास ये डिवीजन का सिंबल आता है तो इस सिंबल का मतलब ये क्वेश्चन टर्म होती है। तो ये थे हमारे पास कुछ वर्ड्स थे जिसको हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना था। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देखेंगे कि हमारे पास अब कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनको हमने इन वर्ड्स लिखना है, तो हम वो किस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेशन आ रहा है, माइनस आ रहा है, सब्ट्रैक्ट आ रहा है, तो हम सबसे पहले अपने अरिथमेटिक ऑपरेशन को लिखेंगे, जो मेन अरिथमेटिक ऑपरेशन है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट आ रहा है, तो हम सब्ट्रैक्ट लिखते हैं पहले यहाँ पे कि सब्ट्रैक्ट। जब हमने सब्ट्रैक्ट लिख लिया तो अब हमने चूज ये करना है कि हमारी फर्स्ट क्वांटिटी कौन सी और सेकेंड कौन सी है। तो ये हमारी फर्स्ट क्वांटिटी है, ये हमारी सेकेंड क्वांटिटी। तो फर्स्ट में हम देखें तो हमारे पास ये था कि हमने जब ये वाला किया सब्ट्रैक्ट 5y फ्रॉम 100, तो 100 यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी बन रही है, जो कि हमने इन वर्ड्स में दूसरी जगह लिखा है, और जो 5y है वो हमारी सेकंड क्वांटिटी है जिसको इन वर्ड्स में हमने फर्स्ट प्लेस पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने भी इसी तरह ही करना है कि हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये सेकेंड क्वांटिटी है, हम इसको फर्स्ट में लिखेंगे। सेकंड क्वांटिटी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, लिख लिया फ्रॉम सम ऑफ पी एंड क्यू, फ्रॉम सम ऑफ पी एंड क्यू। सो डियर व्यूअर्स, अब यहाँ पे देखेंगे कि मैंने क्या किया है, इस मेन ऑपरेशन को पहले लिखा है सब्ट्रैक्ट,
देन ये फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड क्वांटिटी हम फर्स्ट रखेंगे जो कि हम प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई के टू वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है, तो मैंने यहाँ लिखा है एक्स एंड वाई. देन हमारी यहाँ पे जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो सम ऑफ पी एंड क्यू है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम सम ऑफ पी एंड क्यू. तो ये था हमारे पास इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने इस तरह वर्ड्स में लिखा है. नेक्स्ट है हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम लिखेंगे. तो यहाँ पे देखें जो मेन ऑपरेशन है ना वो एक कोशेंट है, और आपको पता है कि कोशेंट को हम क्या लिखते हैं जी, डिवीजन लिखते हैं. तो हमारा यहाँ पे जो मेन ऑपरेशन होगा वो होगा डिवाइड. हम यहाँ पे लिखते हैं जी डिवाइड. किसको डिवाइड करेंगे अब यहाँ पे देखें तो बहुत सिंपल है कि फर्स्ट फर्स्ट रहेगा, सेकंड सेकंड रहेगा. तो जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो हमारे पास सम ऑफ थ्री एंड वन, तो हम यहाँ के लिखेंगे डिवाइड सम ऑफ थ्री एंड वन बाय फाइव. तो डियर व्यूअर्स ये था हमारे पास इन वर्ड्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ दिस. अब जो लास्ट वन है हमारा वो ये है, इसको हम किस तरह लिखेंगे. तो ये भी सब्ट्रैक्ट आ गया है, तो मेन ऑपरेशन ये है, पहले हम ये क्वांटिटी को लिखेंगे देन हम इसको लिखेंगे. तो हम लिखते हैं जी सब्ट्रैक्ट, लिख लिया ओके. सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू एंड सी, सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू एंड सी फ्रॉम स्क्वायर रूट ऑफ बी. हम यहां पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ बी. सो डियर व्यूअर्स प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विद अदर फेलोज एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.